हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा आपके दिलों में, जोश जगाता रहूंगा। हेलो। हेलो हाँ बताइए। जी, अविनाश सिन्हा जी बात कर रहे हैं? हाँ बताइए। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग। नाजिम बात कर रही हूँ, जैसे बैंक से कॉल लाइन। आपका कार्ड है 9266 के काफी टाइम से ड्यूज चल रहे, अभी तक आपने क्लोज नहीं कराया। क्या क्या नाम बताया आपने अपना? नाजमीन नागिन नाजमीन नागिन नाजमीन है सर। नागनीन। हाँ जी, बताइए कैसे क्लोज करवाएंगे सर? मैडम डीपीडी कितना है? डीपीडी हाँ टोटल अमाउंट है आपका 2,85,825 रुपये 65 पैसे। मैडम मैं पूछ रहा हूँ डीपीडी कितना है? डीपीडी एक सेकंड रुकिए सर, बता देते हैं आपको। कहाँ गए सर? मैडम वैसे प्यारी आवाज है आपकी और आपका नाम भी अच्छा है, नागिन। वो नागनीन नाजमीन है सर, नाजमीन। हाँ नागनीन, बहुत प्यारा आपका नाम है और आवाज भी बहुत प्यारी है। थैंक यू। कहाँ चली गई मैडम? मैं वही पता कर रही हूँ, डीपीडी पता कर रही हूँ आपका। सर ये राइट ऑफ है, 180+ है। 180+ है? हाँ जी। तो आप इसको विंटेज में चला जाने दो, फिर करता हूँ मैं पेमेंट। कब कर दे, कहाँ जाने दो सर? विंटेज वन सर, राइट ऑफ से विंटेज वन में कैसे जाएगा? मैडम विंटेज वन पता नहीं है क्या आपको? विंटेज वन क्या होता है मैडम? 365+ हो जाने दीजिए। ओके सर। और तो बताइए अभी मैडम आप क्या कैसी हैं? प्रॉब्लम है? मैं ठीक हूँ सर। अभी करवाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? मैडम अभी जो है ना थोड़ा फंड का इश्यू चल रहा है, तभी तो मैं 6 महीने से कर नहीं पाया। अब जैसे फंड का इश्यू होता है, मेरे को लग रहा है विंटेज वन में होगा फंड का इश्यू। सही सर, देखिए वहाँ पे भी तो वेवर आपको टोटल अमाउंट पे ही मिलेगा ना, यहाँ पे भी टोटल अमाउंट पे मिलेगा। तो मैडम मैं तो सेटलमेंट करूंगा ना। फर्क ना, हाँ जी सर, देखिए वेवर वहाँ पे भी फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, ना वहाँ पे पड़ेगा ना यहाँ पे पड़ेगा। मैडम फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाथ में कैश होना चाहिए ना। कैश नहीं है ना हाथ में? वो तो अरेंज करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि देखिए लास्ट पेमेंट आपकी जुलाई की आ रही है, उसके बाद सबने कोई पेमेंट ही नहीं करी। हाँ तो मैडम वही तो मैं कह रहा हूँ, अरेंज हो पाएगा वो विंटेज वन तक हो पाएगा, यानी 365+ में। इतना टाइम तो नहीं दे सकता ना बैंक सर, ऑलरेडी आपको दे दिया है टाइम। मैडम बैंक ने दिया कब है? मैंने कंज्यूम किया, मैंने बैंक से लिया है। बैंक तो मेरे को 1-2 दिन का टाइम भी नहीं देता सर, इतना टाइम तो मिल ही गया ना। मैडम। वही तो मैं कह रहा हूँ, मिला थोड़ी है, मैंने लिया है खुद। मैडम इसको वंटेज वन के बात करते हैं। आप लोन को छोड़िए, थोड़ा अपने बारे में बताइए। लोन तो वंटेज वन के बाद दे देंगे वो, विंटेज वन के बाद। ठीक है सर, अपडेट कर रहे थे। मैडम अपने बारे में कुछ बता दीजिए, आपका असली नाम क्या है वैसे? सर नाजमीनी नाम है। पक्का नाजनीन नाम है? हाँ जी। अरे मैडम बहुत ही प्यारा नाम है। कहाँ जा रही हैं आप? थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, आप तो एकदम से छोड़ के जा रही हो मुझे। हेलो, बी प्रोफेशनली बात करते हैं ना? क्या मैडम? बी प्रोफेशनली बात करते हैं सर। मैडम थोड़ा सा प्रोफेशनली से हट के बात करते हैं, आप अपने बारे में बताइए और बताइए आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं? ठीक है सर, मैं अपडेट कर दूँ। थैंक यू। अरे नहीं मैडम, थोड़ी सी बात हो।
हेलो हेलो सर, आप पहले आप बोलिए क्या बोल रहे हैं। हाँ मैं संजीव बात कर रहा था होम ट्रेड कंपनी से, गोटनिकन कल्टीवेटर रिकॉर्ड की जा रही है। कौन बात कर रहे हैं? निर्जीव 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 नहीं सर, संजीव संजीव, आप शारुख की बात कर रहे हैं? सर आपने डिस्टर्ब कर दिया, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था अभी बस। कोई बात नहीं, बात कर लीजिए कंपनी से भी, ताकि रिपीट कॉल ना आए आपको बार बार। आप शारुख की बात कर रहे हैं? सर मजा आता है रिपीट कॉल जब आती है, तो अभी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था पता है। अब मान के आपकी बात, तो आप शारुख की बात करें कोई अदर बात कर रहे हैं? कौन आप शाहरुख जी बात कर रहे हैं कोई अदर बात कर रहे हैं? शाहरुख जी बात कर रहा हूँ, बताइए। शाहरुख जी आपने जो परसों लिया था उसी के रिगार्डिंग कॉल था, अमाउंट इंक्रीज होके 2215 रुपए हो गया आपका। इससे पहले 5 नवंबर को लास्ट पेमेंट हुआ था, उसके बाद से पेमेंट रिसीव हुआ है आपका। सर देखो सर, अभी जो है 15-17 सर लोन के बारे में बता रहा हूँ, सुनो तो सही आप। जी जी बोलिए। अभी सर क्या है ना, मेरा थोड़ा फंड इश्यू चल रहा है। हाँ किसी लोकल एजेंट से बात हुई थी ना आपके, सूरज कुमार से लिखा है यहाँ पे, 20 तारीख को उन्होंने टाइम दिया था आपको, 13 का भी दिया था, 17 का भी दिया था, बट क्या नहीं सर पेमेंट आपने शाहरुख जी। सर मैं तो सर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब अरेंज नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या करूँ सर। चार रिश्तेदारों को मैंने पूछी थी, ये चार संबंध मतलब चार मेरे जो रिश्तेदार थे उनसे पूछी थी, तीन ने मना कर दी, एक का भी रिप्लाई आना रह गया, क्या कहते हैं देखते हैं सर। तो आप ऐसा कीजिए ना, अगर पूरा एक साथ नहीं कर पा रहे तो मिनिमम 7 से 14 रुपए कर लीजिए सर। मिनिमम के सर, मिनिमम के लिए ही तो पूछा था, मैं तो पड़ोसी के घर जाके खाना खाता हूँ, तो मैं थोड़ी सिचुएशन डाउन है सर। 7 से 14 रुपए आप कर लीजिए, 379 का पेनल्टी हटा देता हूँ, ताकि आपका दिसंबर का लेन देन कम से कम कम्प्लीट हो जाए, फिर ये जो दिख रहा है 18 आ जाएगा। वही तो कह रहा हूँ, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, तो वो हमें खाना खिला देते हैं, इस समय खाने की भी थोड़ी दिक्कत पड़ रही है सर। मैंने रिश्तेदारों में पूछा था, पेमेंट की बात कीजिए प्लीज सर। पेमेंट की तो बता रहा हूँ, मैंने चार रिश्तेदारों में पूछा था, तीन ने मना कर दी, एक ने अभी रिप्लाई नहीं आया। आप कर पाएंगे 714 रुपए आज शाम तक, हम पेनल्टी में हेल्प करेंगे सर। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैंने रिश्तेदारों से पूछी थी, चार से पूछी थी, तीन ने मना कर दिया। मैं पूछ रहा हूँ आप पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं, ये बताइए मेरे को। मेरी बातों से आपको क्या लग रहा है? तो ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? ये सब बातें नहीं पेमेंट कर पाएंगे? अरे भाई मेरे सुनो तो, अभी पीछे पेमेंट कर पाएंगे? अरे मेरी बात ये सुन लो, इधर उधर की बात कर रहे हैं, मेरी बात तो सुन लो, बात है वही बात कीजिए। अरे वही तो बता रहा हूँ, अभी पीछे मेरे को बंदों का फोन आया था लोन के लिए, जैसे आप फोन कर रहे हो ना, तो अभी उन्होंने भी उन्होंने पूछा था सर क्या इश्यू चल रहा है, उन्होंने बिल्कुल खोल के बताना पड़ा मेरे को, आपको नहीं सुनना खोल के को, नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना, आप फिर पेमेंट का बताइए, पेमेंट कर सकते हैं? मैं पेमेंट का बता रहा हूँ। एनो दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।